काला कानून के बराबर है, क्योंकि हम लोग डबल स्किल्ड हैं। रेलवे कारखानों से हम लोगों ने ट्रेनिंग ली है, आईटीआई के अंदर हमने काम को सीखा है, और काम को सीखने के बाद ट्रेनिंग लेने के बाद अगर उन चीज़ों की अहमियत ना दे सरकार तो वो कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत कर रही है। और यही चीज़ें सरकार ने की है, क्योंकि रेलवे बोर्ड ने जो भी नियम दिए हैं नियमों के अंदर कहीं ना कहीं पर हमारी जो योग्यता थी ट्रेड टेस्ट के आधार पर हम लोगों को लेने की, सरकार ने उसको भी नकारा है। कारण यही होता है कि हम लोग चुप बैठे रहते हैं, अपने हक अधिकारों के लिए लड़ते नहीं है, तो हमें लड़ना पड़ेगा। क्योंकि साथियों, युवा ही देश का जो भविष्य होता है, अगर युवा ही अपनी बातों को नहीं रखेगा तो आने वाली जो हमारी जनरेशन है वो इसी तरीके से गुलाम होती चली जाएगी। इसके अंदर कहा जाता है कि आपको 12 घंटे काम करने हैं और वेतन जो वेतन मिलेगा आपको वही मिलेगा। आप बताइए, आप सुबह 7 बजे निकलते हो और शाम को 7 बजे आते हो, तो आप दिन का भी चेहरा नहीं देख पाते। तो ये जो शुरू हुआ है निजीकरण के माध्यम से, ये आने वाले भविष्य को, भविष्य की पीढ़ियों के लिए गुलामी का दौर शुरू होने वाला है। और जिस प्रकार से हम रेल अप्रेंटिसों को पहले रेल में ट्रेनिंग दे के उनको सीधी भर्ती मिल जाती थी, आज वो रास्ता बंद किया गया इसी वजह से, क्योंकि रेलवे के अंदर प्राइवेटाइजेशन की वजह से ही रेल के काम जो है वो लगातार करवाए जा रहे हैं, और काम भी कहीं ना कहीं पर जो हो रहे हैं उससे रेल प्रशासन और रेलवे सुरक्षा को कोई फायदा नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा कि अभी जो बालेश्वर की रेल घटना है वो कहीं ना कहीं इसी के कारण है कि अगर प्राइवेटाइजेशन आउटसोर्स से काम लिया जाएगा तो वो काम कहीं ना कहीं गलत और बिना ट्रेन किए गए लोगों के द्वारा किया जाएगा और उससे दुर्घटना संभव है। और यही कारण है कि रेल दुर्घटनाएं होना आम बात हो गई है। जब से निजीकरण बढ़ा है रेलवे के अंदर, तब से आए दिन रेल दुर्घटनाएं देखने को मिलती हैं। तो साथियों, कहीं ना कहीं हम लोगों को भी ये आवाज उठानी पड़ेगी कि रेलवे के अंदर प्राइवेटाइजेशन बंद होना चाहिए और रेलवे को उनके जो पुराना नियम था डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जीएम पावर के अंडर, वही नियम उन पर लागू होना चाहिए और उसी के आधार पर भर्ती होना चाहिए। क्योंकि मौजूदा समय में सरकार जो है और रेलवे बोर्ड जो है नए नए नियम बना रही है।